नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बीएसएससी पेपर लीक मामले में एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हर रोज हो रहे हैं। आपको पता है कि बीएसएससी तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की जो पहली पारी की परीक्षा थी उसे रद्द कर दी गई है। पेपर लीक होने के बाद काफी हंगामा हुआ, पेपर लीक होने के बाद कई सवाल खड़े हुए और मास्टरमाइंड जब पकड़ाया तो ये बात भी सामने आई कि उसमें से एक दरोगा का बेटा भी है। लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है और उस खुलासे की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसके मुताबिक एक राजस्व कर्मी की भी मिली भगत जो है इसमें बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि एक राजस्व कर्मी भी बीएसएससी के इस पेपर लीक कांड में शामिल है। दरअसल ये मामला अगर हम आपको समझाएं तो बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के पहले चरण की परीक्षा रद्द हो चुकी है। आपने लाइव सिटीज पर कल रात को ही देखा, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट गणेश्वर आपको तमाम जानकारी दे रहे थे। दरअसल ये परीक्षा जो है 23 दिसंबर 2022 को 10 बजे से 12:15 बजे तक हुई थी और ये प्रथम पाली की परीक्षा थी। दो दिनों तक ये एग्जाम चला था, आपने देखा होगा 23 और 24 तारीख को। तो 23 तारीख को जो दो शिफ्ट में परीक्षा होने वाली थी तो पहले शिफ्ट की जो परीक्षा थी उसका पेपर आउट होने की खबर आई और वाकई ये पेपर आउट हुआ था, इसको आयोग ने भी माना, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द करनी पड़ी है। लेकिन इसमें एक एंगल ये भी है, मुख्यमंत्री ने कहा था कि जैसे ही प्रश्न पत्र के वायरल होने की बात सामने आई हमने फौरन पूरी जांच और सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। दूसरी तरफ पेपर लीक मामले में गिरफ्तार चार अभियुक्तों से पूछताछ के बाद सोमवार को सभी को जेल भेज दिया गया। जांच में यह भी बात सामने आई है कि पेपर लीक में दोनों भाई अजय विजय के साथ सुपौल के राघोपुर में तैनात राजस्व कर्मी राकेश रोशन भी शामिल था। राकेश नालंदा का रहने वाला है। पुलिस की गिरफ्त में दो सॉल्वर रवि और रोशन कुमार भी हैं, दोनों से पूछताछ चल रही है। तो ऐसे में ये जो है बड़ा मामला है जिसका खुलासा भी हो चुका है और पुलिस ने देखा आपने किस प्रकार त्वरित कार्रवाई करते हुए महज दो दिनों के भीतर ही इस मामले का खुलासा कर दिया और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी कर ली। लेकिन अब छात्र इस बात को लेकर नाराज चल रहे थे कि यह परीक्षा रद्द कब होगी, तो देर रात ही आपने देखा कि किस प्रकार इस परीक्षा को रद्द कर दी गई। पहली पारी की जो परीक्षा थी बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की जो पहली पारी की पाली का जो एग्जाम था उसे कैंसिल कर दिया गया है। अब ये एग्जाम जो है कहा जा रहा है कि 40 से 45 दिनों बाद एक बार फिर से हेल्ड किया जाएगा, फिर से इस परीक्षा को ली जाएगी। और यह भी बात सामने आ रही है कि अब जो है कोई भी गैर जिम्मेदाराना हरकत विभाग के द्वारा आयोग के द्वारा नहीं की जाएगी। कहा जा रहा है कि 45 दिन के बाद फिर से जो रद्द की गई परीक्षा है वो ली जाएगी और 23 के दूसरे चरण और 24 दिसंबर को ही परीक्षा रद्द नहीं की गई है। आपको पता है कि दो दिनों तक ये एग्जाम चला था, 23 और 24 को, 23 तारीख को भी दो चरणों में एग्जाम था। तो 23 तारीख के जो पहले चरण की परीक्षा थी उसे कैंसिल किया गया है, दूसरे चरण की परीक्षा वैसे ही रहेगी और जो 24 तारीख को एग्जाम लिया गया था वो भी वैसा ही रहेगा, उसके बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं है। तो अब बड़ी खबर और बड़ा अपडेट बीएसएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई, एक राजस्व कर्मी के भी मिली भगत की बात सामने आई है। पुलिस हर पहलू से इसकी जांच कर रही थी और आखिरकार इसमें पुलिस को कामयाबी मिली। लेकिन बड़ा कलंक भी बिहार के माथे पर लग रहा है बार बार, और कलंक ये कि हर पेपर लीक कैसे हो जाता है, इतनी सजगता और इतनी सुरक्षा के बावजूद आप बिहार से क्या मैसेज दे रहे हैं, पूरे देश को क्या मैसेज दे रहे हैं कि बिहार में बीपीएससी का भी पेपर लीक हो जाता है, बीएसएससी का भी पेपर लीक हो जाता है। तो आखिर ये गलती और ये लीकेज हो कहां से रहा है, इसे पकड़ने की जरूरत है और पुलिस को इस पर काम करने की जरूरत है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।